press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों अच्छी अच्छी थीम डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा थीम्स फॉर विंडोज 7 और फिर जिस पे मैंने क्लिक किया है जिसमें थीम पैक डॉट मी लिखा हुआ है इस पर टाइप कर देना है। मैं आपको दिखाया था, आप देख रहे हैं जैसा कि विंडोज 7 विंडोज 10 थीम्स में हर एक विंडो के थीम मिल जाएंगे आपको, विंडो 8 9 10 सबके मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो पसंद आ रहा है वो थीम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कोई और थीम पसंद है तो आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तरीके की थीम आ रहे हैं। यहाँ पे एक विंडोज 7 का ऑफिशियल थीम आ रहा है, आप देख सकते हैं ये बस थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ थीम है, मैं आपको और अच्छे दिखा देता हूँ। और फिर अगर आपको सर्च करके थीम डाउनलोड करना था, मैं सर्च कर देता हूँ, जैसे कि मुझे एक जोकर का फैन हूँ, जोकर मुझे अच्छा लगता है, मैं जोकर टाइप कर देता हूँ, मैं जोकर थीम डाउनलोड करना है। तो मैंने जैसे जोकर टाइप कर दिया, टाइप करने का जोकर की थीम्स आ गई। अब मैं एक पर टैप कर देता हूँ, इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला मैं टैप कर देता हूँ, ठीक है। टैप करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद ऊपर की तरह यहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन आ गया है, विंडो 10 8 8.1 विंडो 7। अगर जिसके पास 10 है वो 10 के लिए डाउनलोड कर सकता है, 8 है 8 के लिए डाउनलोड कर सकता है। मैं विंडो 7 यूज़ कर रहा था, मैं विंडो 7 के लिए डाउनलोड करूँगा, ठीक। मैंने विंडो 7 के लिए थीम डाउनलोड कर लिया है, अभी डाउन 5 सेकंड में डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा ये, जैसे कि देखा आपने नीचे की तरफ मेरा डाउनलोड होने लगा है। और चूँकि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, इस कारण मैं डाउन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊँगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं थीम डाउनलोड हो चुका है, अब मैं शो इन फोल्डर में जाऊंगा, ये फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने डाउनलोड किया उस फोल्डर में आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको कट करके कहीं और पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि मुझे बाद में ढूंढने में परेशानी ना हो। मैं लोकल डिस्क डी में जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, डी में आ गया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कहीं किसी भी जगह, यहीं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट हो चुका है, पेस्ट होने के बाद हमें इसे टैप करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद अनपैकेजिंग हो जाएगी, अनपैकेजिंग होने के बाद पर्सनलाइजेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपनी थीम चूज़ करके जोकर पे क्लिक करना है आपको, क्लिक करने के बाद की आपका थीम बिल्कुल सेट हो चुका है। एक बार मैं दिखा देता हूँ मेरी कैसी थीम अभी सेट हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह की थीम, और इसको आप सेटिंग करके और बढ़ा सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड। दोस्तों वीडियो इतनी थी।